खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है, इदारा रहे बरे। बड़ा अहम मुद्दा मेरी नजरों के सामने है और वो है नशा, शराब को लेकर। जी हाँ, और मुद्दा मैं इसलिए इसको बना रहा हूं कि इस वक्त जितने भी, चाहे वो गैंगरेप का मामला हो या मर्डर का मामला हो या बेटियों की इज्जतों से खेले जाने का मामला हो, इसमें आम तौर से जितने भी मुजरिमीन पाए गए हैं या जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं, इन तमाम को नशे की हालत में देखा गया कि नशे की हालत में आकर शराब पीकर इन लोगों ने घटिया से घटिया हरकत की। जैसे हाथरस कांड में देखो, खुदा की कसम खाकर मैं ये बात कर रहा हूं कि जब बार बार उस चीज का तस्करा कर रहा हूं तो मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस बेदर्दी और किस दरिंदगी के साथ उस बेटी मनीषा को मारा गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसकी जबान काट दी गई। जरा तसव्वुर कीजिए, आप सोचिए कि कातिल के हाथ या उन दरिंदों के हाथ कांपे होंगे या नहीं कांपे होंगे। जबान काटते वक्त रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई कि वो चलने भी ना पाए, यहां तक कि जबान इसलिए काटी गई ताकि वो मुजरिमों के नाम भी बता ना पाए। और इंसानियत किस घटिया हद पर पहुंची है कि मुझे जो खबर आई है कि वहां के कुछ आला जात के लोगों ने उन दरिंदों को बचाने के सपोर्ट में बकायदा पंचायत बुलाई, तो मैं उन्हें आला जात के कैसे कहूं, बल्कि सबसे घटिया जात के लोग हैं जो रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करें, जो बेटियों के दरिंदगी के साथ रेप और कातिलों को बचाने की कोशिश करें, वो आला जात के कहां से हुए, वो तो घटिया जात के हुए। दरिंदा कोई भी हो, मुजरिम कोई भी हो, जानी कोई भी हो, रेपिस्ट कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको फांसी की सजा चौराहे पर लाकर दी जाए। लेकिन फिर मैं दो दिन से आपको ये भी बता रहा हूं कि फांसी की सजा का ये कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर बना लिए तो जिनके आशीर्वाद लेते थे, जिनके चरण छूते थे, जिनके पैर छूते थे और जिनके प्रोग्राम्स में ये शामिल रहते थे और जिनके यूं समझिए कि फूल हार दिन पर चढ़ाया करते थे, तो ऐसे ऐसे रेपिस्ट भी तो रेप के जुर्म में जेलों में बंद है। अगर फांसी की सजा अगर लागू कर दी जाए तो फिर तो गुरुजी भी जाएंगे ना। खैर, मेरा जो आज का मुद्दा है कि जितनी भी दरिंदगी हो रही है, या इंसान दरिंदा भी उस वक्त बन जाता है जब वो नशा करता है, शराब पीता है। इसलिए प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अल खमरु उम्मुल खबाइस, ये अरबी के वर्ड है कि प्रेषित मोहम्मद ने फरमाया कि शराब, नशा तमाम बुराइयों की माँ है, तमाम बुराइयों की माँ है शराब। यानी अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा कर दिया कि शराब पिएगा, नशा करेगा, कत्ल करना आसान, मर्डर करना आसान, रेप करना आसान, जी हाँ जिना करना आसान, माँ बाप को धक्के देना आसान, बीवी को घर के बाहर निकालना आसान, तलाक देना आसान, जुल्म करना आसान, बाप को मारकर घर से बेघर करना आसान। यानी नशे की हालत में हर वो बड़ा जुर्म, वो बड़ा गुनाह जो आदमी करते वक्त थोड़ा शर्माता है, लेकिन जब वो नशा करे या शराब पिए तो फिर वो नशा करना, नशे की हालत में वो जुर्म करना, वो गुनाह करना बड़ा आसान हो जाता है। और मैं समझता हूं कि अभी नशे की हालत में इस प्यारे मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े जुर्म नशे की हालत में हो रहे हैं, शराब की हालत में हो रहे हैं। इसलिए आज मैं भारत की हुकूमत से भी और पूरी दुनिया की हुकूमतों से यह अपील करता हूं कि अगर आपको अमन सुकून शांति को अगर लाना है और ये तमाम जो जुर्म, ये क्राइम जो हो रहे हैं, इससे अपने अपने मुल्क को, अपने इलाकों को बचाना है, तो सबसे पहले बैन, पाबंदी लाओ नशा पर, शराब पर और नशे की हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी लाओ। मगर क्या करें, अफसोस तो ये होता है कि लॉकडाउन में भी अगर सबसे पहले हुकूमत ने, हमारी प्यारी प्यारी हुकूमत ने अगर किसी का ख्याल किया तो सबसे पहले बेवड़ों का ख्याल किया। स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुली, मंदिर नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली, सबसे पहले खोले गए शराब खाने, क्योंकि बेवड़े जितने काम के हैं, बेवड़े जितना नफा पहुंचाते हैं, बेवड़ों से जितना मिलता है हुकूमत को उतना स्कूल और कॉलेज से नहीं मिलता है, मस्जिद और मंदिर से नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमारी हुकूमत ने भी ख्याल किसका रखी,
बेवड़ों का ख्याल रखिए और शराब खाने खोल दिए गए। लेकिन आज मैं अपील कर रहा हूं कि अगर वाकईतन हुकूमत सच्ची है, हुकूमत मुल्क के बारे में सोचती है, भारत की जनता के बारे में सोचती है, तो फिर मैं हुकूमत से कहूंगा कि कारोबार के बारे में ना सोचे, धंधे के बारे में ना सोचे, बिजनेस के बारे में ना सोचे कि शराब से कितना कारोबार हो रहा है। अगर हुकूमत सच्ची है तो शराब के तमाम, नशे के तमाम कारोबार पर बैन लगाए, क्योंकि नशा की हालत ही में, शराब की हालत ही में जुर्म करना, क्राइम करना, रेप करना, मर्डर करना, कत्ल करना आसान हो जाता है। इसलिए आज मैंने इसको मुद्दा बनाया कि शराब के कारोबार को बंद किया जाए। बल्कि आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक उनके साथी आए, उनके दोस्त आए। उन्होंने कहा कि हुजूर, हम ठंडे इलाके में रहते हैं, सर्द इलाके में रहते हैं, वहां बड़ी सख्त हम मेहनत करते हैं और हम गेहूं से एक शराब बनाकर इस्तेमाल करते हैं। उससे हम, उस शराब से, गेहूं की उस शराब से हमें एनर्जी भी मिलती है, ताकत मिलती है, हम उससे ताकत हासिल करते हैं। उस ताकत की वजह से हम सख्त मेहनत मजदूरी का काम कर पाते हैं और सर्दी का मुकाबला भी कर लेते हैं, क्योंकि नशा करने के बाद सर्दी का थोड़ा सा जो एक असर रहता है वो कम हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो जो तुम गेहूं की जो भी चीज बनाते हो, शराब बनाते हो, उसमें नशा होता है? तो वो साथी ने कहा, वो दोस्त ने कहा कि हाँ हाँ हुजूर, उसमें नशा होता है, उसमें नशा होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बिल्कुल उससे बचो, बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल ना करो। वो साहबी कहते हैं, हुजूर के दोस्त कहते हैं, हुजूर वहां के लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शराब की भी आदत हो जाती है ना, बहुत खतरनाक। तो हुजूर वो कहा कि हुजूर वहां के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, अगर ना छोड़ें तो उनसे जंग करो। अबू दाऊद कि ये रिवायत है, पूरा पूरी हदीस है। नशा से ना बचने वालों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा देखिए कि कैसा है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें कि उन्हें नशा से रोको और अगर ना रुके तो उनसे जंग करो। यानी नशा इतनी बुरी चीज है कि हुजूर ने नशे से ना रुकने वालों से जंग का भी हुक्म दिया, लड़ने का भी हुक्म दिया। इसलिए मैं हुकूमत से कह रहा हूं कि धंधा कारोबार ना सोचें कि ये बेवड़ों से बहुत बहुत नफा मिलता है, हुकूमत को बहुत करोड़ों अरबों रुपया मिलता है। प्लीज, अगर मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की जनता से मोहब्बत है, तो इस कारोबार को रोको। मैं दमन गया था, दमन में शराब आम है, समंदर के किनारे पर लड़के लड़कियां पार्टियां होती है और शराब की बोतलें सर पर लेकर नाचते हैं। मैंने वहां पर जब शराब और नशा पर मैंने बात किया तो मेरी हिंदू बहनें मेरे पास में आई और कहने लगी, गुरुजी हम खुद भी बहुत परेशान हैं, हमारा शौहर आता है और नशे की हालत में ऐसी ऐसी हरकतें करता है, हमारे बेटे तबाह हो गए इस शराब की वजह से, हमारे खानदान, हमारे घर बार तबाह हो गए इस शराब की वजह से, गुरुजी कुछ मुहिम चलाओ। तो बस उसी मुहिम को जहन में रखते हुए मैं आज अपील कर रहा हूं, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं, हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि नशा हर शख्स के लिए नुकसानदेह है, खुद भी बचें और मुल्क को बचाने के लिए मुहिम इदारा रहे। बरे इंसानियत तो सबको प्यार